नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर खुश तरीके से कह लीजिए कि इतनी सुर्खियां बन गई हैं कि अब पंत भी उससे कहीं ना कहीं रूबरू हो गए होंगे। जी हां, जिस तरीके से ऋषभ पंत का मौजूदा समय में खेल चल रहा है उसको लेकर कई दिग्गज खिलाड़ियों ने पंत को लताड़ा है या कह लीजिए उनके खेल पर निशाना साधा है और कहा है कि उनमें टैलेंट तो काफ़ी है लेकिन टेम्परमेंट की कमी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में एक ऐसे भारतीय पूर्व खिलाड़ी हैं जो पंत की सराहना कर रहे हैं या कह लीजिए कि पंत की पैरवी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हां, उनका नाम है BBS लक्ष्मण। दरअसल हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान लक्ष्मण ने कहा है कि पंत को जहां एक लोग सब तरीके से नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंत को कुछ समय के लिए टीम से बाहर रखना चाहिए क्योंकि उनके खेल में तब बदलाव लाना ज़रूरी है, लेकिन वहीं BBS लक्ष्मण ने कहा है कि देखिए, एक युवा बल्लेबाज या विकेटकीपर जब टीम में आता है तो उस पर काफ़ी प्रेशर रहता है और आप जब महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर डबल रहता है। तो ऐसे में पंत का जो बैटिंग क्रम है 4 नंबर पर T20 गेम में, उसको बदल कर 5वें या 6ठे नंबर पर कर देना चाहिए क्योंकि जब वो निचले क्रम में आएंगे तो जैसे ताबड़तोड़ खेल के लिए पंत जाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब उनकी 2-4 पारियों में रन बनेंगे उसके बाद से उनके खेल में निखार आ जाएगा। इसके अलावा BBS लक्ष्मण ने कहा है कि जब 4वें नंबर की बारी आती है T20 में तो आप श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को यूज़ कर सकते हैं जिनके पास टेम्परमेंट भी है और हिटिंग करने की काबिलियत है, लेकिन पिछले कुछ मैचों से देखा जा रहा है कि ऋषभ पंत आते हैं और चले जाते हैं। यही आलम है कि पिछली 10 T20 पारियों में ऋषभ पंत 7 बार 10 से कम रन पर आउट हुए हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका और इंडिया की T20 सीरीज हुई थी, उस दौरान भी 2 मैचेस में पंत ने 4 और 19 रनों का स्कोर किया, जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि पंत का कहीं ना कहीं शॉर्ट सिलेक्शन भी खराब है। लेकिन BBS लक्ष्मण ने कहा कि समय लगता है जब कोई नया बल्लेबाज टीम में आता है या खिलाड़ी टीम में जब एंट्री करता है तो उसको काफ़ी समय लगता है ढलने में, खुद के शॉर्ट सिलेक्शन बनाने में और खुद के गेम को सुधारने में। पंत को लेकर कई सारे दिग्गज क्रिकेटर ये कह चुके हैं कि पंत का शॉर्ट सिलेक्शन ठीक नहीं है, वो जल्दबाजी करते हैं अपने गेम को लेकर। वहीं टीम मैनेजमेंट में जैसे रवि शास्त्री, विराट कोहली और भारतीय टीम के नए बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने भी ये कहा है कि केयरलेस और फियरलेस में काफ़ी कुछ अंतर नहीं होता है, केवल एक लाइन का फर्क होता है। बस वही सारी चीज़ें जो डिसिप्लिन है वो पंत को सीखना होगा। खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं, वो बस आक्रामक रवैये से खेलते हैं, जो उनकी छवि है बस उसको थोड़ा टेम्परमेंट पे लाने की ज़रूरत है। BBS लक्ष्मण ने ये भी कहा कि पंत को थोड़ा समय दिया जाएगा, अगर वो नीचे आकर खेलते हैं तो आने वाले समय में जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जा रही है कि IPL में जैसा वो अपना खेल दिखाते हैं वैसा ही वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी अपना खेल दिखाएंगे। खैर, अब पंत के बारे में बातचीत तो अभी फिलहाल चली रही है और ऐसा कोई मामला नहीं है जो पंत को लेकर आए दिन सुर्खियां ना बटोरे। अब आगे किस क्रिकेटर का पंत को लेकर जो बयान आता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे और इस खेल जगत से जुड़ी जो खबरें आती रहेंगी वो भी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।